कमजोर पड़ रही है, नजर ही डाल लेते सीधा 178 पॉइंट्स, टू टीम गॉडलाइक। और ऑरैंगुटान पिछले मैच के परफॉर्मेंस के बाद एक अच्छी खासी छलांग मार चुकी है, 166 पॉइंट्स आए हैं, 12 पॉइंट्स का डिफरेंस है फर्स्ट पोजीशन से। डुएबल है जॉनी, डुएबल है, क्योंकि yes. कल और मात्र चार गेम्स बचे हैं और आखिरी डूम्सडे आप बोल सकते हो टीम सोल, उनके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली इतना भी दूर नहीं चला गया, अभी भी कंटेंशन में है। बट केमिन ईस्पोर्ट्स, इनको एक यू नो बहुत ही दिल दहला देने वाली कमबैक करनी पड़ेगी। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की रही बात करें, गायब से हो चुके हैं अंश, क्या लगता है आपको, व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम? एक तो फील ही नहीं हो रहा कि वो लॉबी में है, एंड दूसरी बात आती है कि लास्ट मैच फिनिश करते थे, वो यहाँ पे भी नहीं हो पाया। बट द थिंग इज दैट कि फाइट में मुझे प्रॉपर नहीं दिख रहे वो, निग्मा गैलेक्सी के अगेंस्ट फर्स्ट मैच में मुझे दिखा था पेट्रोल पंप के साइड में फाइट ले रहे थे, बट निग्मा गैलेक्सी जो खराब फॉर्म से जूझ रही है, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, उन्होंने उनको फिनिश कर दिया जो टेबल टॉप पे थे, तो वहां से ना लगा कि उनको ऐसी टीम आके हमको मार के चली गई, मतलब क्या रॉन्ग हो गया वहां पे, फिर वो चीज खटकने लगता है, फिर शैनोक उनका ऐसे भी खराब जा रहा है, तो दो मैच खराब, कल भी ऐसा कुछ था, मीरामार में थोड़ा कमबैक करा था। अंश, हमने ओवरऑल रैंकिंग्स की बात कर ली, आपने टीम्स के कमबैक की बात करी, हम इंडिविजुअल प्लेयर्स का भी कमबैक होता हुआ नजर आया, एमवीपी रैंकिंग्स ऑन आवर स्क्रीन्स एंड लुक एट दैट जोनाथन। हमें ये बात तो पता थी मीरामार के पास फर्स्ट पोजीशन इनके नाम है, लेकिन कितना बड़ा एडवांटेज है ये हमें अब नजर आता है। वो डैमेज डिफरेंस देखिए आप, 7380 कंपेयर टू गॉबलिन 6315, और डैमेज और सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं फिनिशेस से। अब यहाँ पे नजर डाली एक ही ओपी के तरफ, 21 मिनट का सर्वाइवल टाइम है इस प्लेयर के ऊपर, एंड जिसके नाम पे वो अभी थर्ड पे चल रहे हैं, जाहिर सी बात है फिनिशेस उस मुकाम तक नहीं जा चुके हैं जितना गॉब्लिन या फिर जोनाथन पे। आई एम प्रीटी श्योर अगर कल एक अच्छा प्लेयर निकालते हैं, दे कैन डेफिनेटली टॉप देम ओवर। वेल लेट्स सी आज के दिन।